आज हम पढ़ते हैं स्वामी राम हिमालय जी के बारे में। इनको स्वामी राम हिमालय भी बोला जाता है, स्वामी राम हिमालयन भी बोला जाता है। ठीक है, इनसे मिलता जुलता एक और नाम है जिनकी हमने जीवन परिचय पढ़ना, उनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा। तो इन दोनों में डिफरेंस है, अभी आप एक समझ बैठो। ठीक है, तो इनको अलग अलग ही पढ़ना है हमें। स्वामी राम हिमालय का जन्म 2 जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था, टोली गढ़वाल में, हिमालय में हुआ था, उत्तराखंड में। गढ़वाल हिमालय ये उत्तराखंड का एक एरिया है, और उसमें छोटा सा पर्टिकुलर एरिया है टोली। तो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1925 ईस्वी को। इनके बचपन का नाम ब्रज किशोर था, और इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनके घर के पास में ही एक कोई मंदिर था, वहां पे कोई बंगाली बाबा रहते थे, ये वहां जाने लग गए, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो इनके माता पिता गुरु जो भी थे वो बाबा बंगाली थे, यहीं से इन्होंने अपने जो सामान्य शिक्षा होती वो ग्रहण की। इन्हें हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनको शंकराचार्य की पदवी भी मिली थी। संस्थापक जो है ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी जो देहरादून में है, उसके ये संस्थापक रहे। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। मृत्यु जो हुई थी इनकी 13 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई थी। शिक्षा पढ़ते हैं। स्वामी राम ने हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से योग में अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण और इनको जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बाबा बंगाली ने दी। उसके बाद ये अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा और गुदड़ी बाबा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में रहकर भी इन्होंने योग से रिलेटेड बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की। इसके बाद स्वामी राम ने भारत के विभिन्न शहरों में जैसे बेंगलोर में, प्रयागराज में, वाराणसी आदि में रहकर भी विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से भी इन्होंने डिग्री प्राप्त की। 24 वर्ष की आयु में स्वामी राम ने करवीर पीठ है जो दक्षिण भारत में है, उसके शंकराचार्य की गद्दी इनको प्राप्त हुई। ये सबसे कम उम्र के, उस समय के सबसे कम उम्र के शंकराचार्य थे। ठीक है, 24 वर्ष की आयु में स्वामी राम हिमालय जो थे उनको करवीर पीठ है दक्षिण भारत में उसका शंकराचार्य नियुक्त किया गया। शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे, 4 साल ये वहां रहे, 1949 से लेकर 1992 तक। यहाँ इन्हें शंकराचार्य की पद उपाधि मिली। सन 1949 से लेके 52 तक लगातार 4 वर्ष तक स्वामी रामकृष्ण सॉरी स्वामी राम हिमालय शंकराचार्य की गद्दी पर आसीन रहे। फिर इस गद्दी को भी छोड़ दिया, फिर इस गद्दी को भी छोड़ के फिर हिमालय की तरफ निकल गए कुछ और हासिल करने के लिए। स्वामी राम हिमालय शंकराचार्य की गद्दी को छोड़कर नेपाल क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर नंगे पैरों वे कमंडल लेकर, जो वो लोटा सा होता है संत समाज का, उसको लेकर हिमालय की तरफ नेपाल में निकल गए। यहाँ पर इन्होंने पहला अपना आश्रम स्थापित किया। यह आश्रम काठमांडू से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक धूलीखेल नामक की जगह है, और रास्ते में हिमालय पर्वत के घने जंगलों में था, जिसे आजकल हंसदा योग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने लंदन में एक चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी, पर इनको लगा कि भारत में ऐसी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे पेड़ पौधे बहुत थे, जंगल थे, तो जंगलों में ज्यादा लोग रहते थे, तो वहां पे आने जाने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट कम था, सेवाएं भी कम थी और भी। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना रिमोट एरिया में काम किया जाए, रिमोट एरिया जहाँ आना जाना मुश्किल है, दूभर है लोगों के लिए, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। तो इन्होंने जगह जगह कैंप लगा के तो अपनी सेवाएं दी। इन्होंने मॉस्को में परा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए। सबसे पहले जो जो ऐसे कहेंगे जो श्वास को रोकने की क्रिया है, वो लैब में लोगों के, मतलब साइंटिस्टों के सामने इन्होंने प्रूव की थी।
ठीक है, कि सांस को ऐसे रोका भी जाता और इसको ऊपर भी चढ़ाया जाता है सांस को। इन्होंने मास्को में परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो था के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए। ये योग को रिसर्च के साथ जोड़ते थे। ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना भी की इन्होंने। उसके बाद सन 1966 ईस्वी में स्वामी राम हिमालयन ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी संस्था की स्थापना कानपुर में की। साथ ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी ऐसी ऐसी शाखाएं खोली गई जहां पे योग भी हो और फिलोसफी भी उसकी और रिसर्च भी हो साथ में। विदेशों में सबसे पहले 1970 ईस्वी में अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू एवं इलिनॉइस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना इन्होंने की थी। यहाँ स्वामी राम ने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद पुनः वापस भारत आ गए और भारत लौटे। यहाँ सन 1989 ईस्वी में जोली ग्रांट जो देहरादून में है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी इन्होंने। यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला जिसमें योग और रिसर्च दोनों चीजें थी। आज भी है ये हॉस्पिटल। स्वामी राम ने 1994 ईस्वी में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला था। उस समय का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और 1995 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमेम्बर के मोटो के साथ करने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को संदेश दिया था। इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जितने भी उस ट्रस्ट में काम करते थे जो भी सदस्य थे उनको सबको एक मोटो दिया था इन्होंने, लव सर्व एंड रिमेम्बर का। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया था और उनके बीच में जो रह गई थी वो रह गई थी उनकी लिखी हुई कुछ रचनाएं हमारे सामने। मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, पेरेनियल फिजियोलॉजी ऑफ द भगवद गीता, जो भगवद गीता पुराने तरीके से जो वास्तविक है वो क्या है, ए विजडम ऑफ द एंशिएंट सेजेज, मुंडको उपनिषद हो गया, हैप्पीनेस इज योर क्रिएशन हो गया, ये बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी, रॉयल पाथ, लेसन ऑन योगा हो गया, लव एंड फैमिली लाइफ हो गया, कॉन्शियस लिविंग ए गाइड बुक फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, फियरलेस लिविंग इनका मोटो भी था, योगा एंड फेथ, लेक्चर ऑन योगा, प्रैक्टिकल लेसन ऑन योगा और लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और इनमें है क्या है, जॉयफुल लाइफ, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लाइफ, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। इनका ध्येय वाक्य था बी हैप्पी एंड फियरलेस, रिमेंबर दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो, इनका ध्येय वाक्य था। खुश रहो और निडर रहो, डर के नहीं रहना किसी से, रिमेंबर याद रखो दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, आप एक ईश्वर पुत्र हो, एक भगवान के पुत्र हो, आप एक ब्रह्म के पुत्र हो, हानि और लाभ आपकी यहाँ तक कि आपकी परछाई को भी टच नहीं कर सकते, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए खुश रहो और निडर रहो, वर्तमान में जियो। स्वामी राम ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क की जो तरंगे हैं, हृदय की जो गति है, इनको रोकने का और नियंत्रण करने का, जैसे कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन कई बार वैज्ञानिकों की टीम के सामने किया। हृदय की गति को रोक सकते थे, ठीक है, और बढ़ा भी सकते थे, मतलब हार्ट बीट को इतना बढ़ा देते थे कि सोच भी नहीं सकते थे वो लोग, और हृदय गति को इतना भी रोक लेते वो खुद कंफ्यूज हो जाते कि ये बिल्कुल रेस्ट मोड में तो नहीं चला गया व्यक्ति। ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उनको साइंटिस्टों की पूरी लैब के अंदर इन्होंने कई बार रिसर्च करवाया, ठीक है, शरीर के तापमान को प्राणायाम से इतना गर्म कर लेते थे शरीर को कि पूछिए मत, उसका तापमान अलग नोट करवाते थे, फिर शीतली प्राणायाम जैसे और चंद्र भेदी प्राणायाम है उससे उनकी क्रियाओं की सहायता से एकदम से टेम्परेचर को डाउन भी कर देते थे, और ये कई बार वैज्ञानिकों की टीम के सामने इन्होंने रिसर्च करवाया। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे स्वामी राम हिमालय जिन्होंने
वैज्ञानिकों की टीम की मतलब योग को वैज्ञानिक के तौर पर मापा। स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी, डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 में उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए HISTH ट्रस्ट के तहत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट जो है तहत देहरादून में स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय की 2013 में UGC, MCI और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता से के साथ स्थापना की थी। ठीक है, यह हो गया हमारा स्वामी राम हिमालयन जी का जीवन परिचय। इसमें कुछ ज्यादा ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनके ये जो डेट्स है ना, बार बार डेट्स आ रही हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो आपके सामने कोई भी डेट्स आ सकती है, हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई, ठीक है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, ये चीजें आ सकती है। इनका मोटो क्या था, इनकी रचनाएं कौन सी थी, ध्येय वाक्य क्या था। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक तौर पर योग को मापा था। साइंटिस्टों की टीम के सामने कई बार अपने ऊपर रिसर्च करवाई, पहले अपने ऊपर करवाई, फिर रिसर्च से रिलेटेड उन्होंने जो हॉस्पिटल की स्थापना की, कॉलेज की स्थापना की, वो सब इसी बेस पे की है। यहाँ किसी का कोई डाउट हो बच्चे का? सर, इनकी शिक्षा के बारे में? शिक्षा का देखिए, जो इनकी शुरुआती शिक्षा थी, इनके माता पिता थे नहीं, तो बाबा बंगाली जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब थोड़ी सी इनको समझ आई, फिर बाबा बंगाली ने कहा कि मेरे पास इतना ही ज्ञान है, अब आप वहां जा सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने अघोरी बाबा आ गए, बंगाली बाबा के बाद अघोरी बाबा से कुछ योग की शिक्षा ग्रहण की। फिर कुछ ही समय बाद ये सोमवारी बाबा से मिले, इनके पास अलग सिद्धियां थी तो इन्होंने उन पर भी काम किया। ठीक है, सोमवारी बाबा हो गए, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर गुदड़ी बाबा हो गए। ठीक है, इनके सानिध्य में रहकर योग की अनेक सिद्धियां प्राप्त की। इसके बाद ये भारत के विभिन्न शहरों, बंगलोर, प्रयागराज, वाराणसी में आदि में रहकर भी अलग अलग शिक्षाएं ग्रहण की। पर्टिकुलर नहीं लिखा इन्होंने कहाँ से इन्होंने बैचलर करी, कहाँ से मास्टर की, कहाँ से 10वीं की, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से भी इन्होंने डिग्री प्राप्त की। ठीक है, 24 वर्ष की आयु में ये शंकराचार्य बन गए थे करवीर पीठ, जो कि दक्षिण भारत में है। और उसके बाद ये गद्दी को, जो गद्दी मिल गई थी, संत समाज की सबसे बड़ी गद्दी होती है और लोग इसे चिपक जाते हैं, इन्होंने उसको भी त्याग के फिर से कुछ और करने की सोची और अनुभव जानने की सोची। और ये फिर हिमालय को लेके निकल गए, और ये फिर हिमालय में नेपाल में गए, और नेपाल में जाकर उन्होंने फिर एक आश्रम बनाया जिसको हंसदा योगाश्रम के नाम से जाना जाता है, जो काठमांडू से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो धूलीखेल नामक एक जगह आती है, थोड़ा सा अंदर जाके जंगलों में, वहां पर है ये। ठीक है, इसके ओके बाद ये सर, सलाहकार बने लंदन में, एक चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर के रूप में काम किया इन्होंने। ठीक है, अनुसंधान केंद्रों में काम किया, ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इनके स्थापना से लगता है इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है सर। हाँ, क्योंकि उस समय पे लोग जो जानते थे योग को, आज भी अगर देखेंगे तो योग को बस इतना ही जानते कि आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, शायद इसी को ही योग बोलते हैं। और उसके नाम अलग अलग आ गए, अब तो और भी बहुत सारे पावर योगा के नाम से अलग आ गया। बाहर के देशों में देखेंगे तो वहाँ एरियल योगा आ गया, और भी तरह वाटर योगा आ गया, बॉल योगा आ गया, मतलब कोई भी इक्विपमेंट लिया उसकी सहायता से कोई भी पोज करना, उसको वही नाम दे दिया। पर असल में योग तो आप सभी को पता है, जैसे अगर प्रॉपर योग जाने तो अष्टांग योग है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट आसन हो गया, एक छोटा सा पार्ट प्राणायाम हो गया। अब इनसे थोड़ी आदमी योग, सारे को थोड़ी योग बोल सकता है। इन्होंने मानते नहीं थे लोग, इन्होंने डॉक्टरों को मनवाया कि सच में ऐसा भी होता है योग से, क्योंकि डॉक्टर तो ये जो बाकी लोग थे योग को नहीं जानने वाले, तो उनके मन में यही भ्रम था कि बस योग का मतलब ये होता, योगी का मतलब ये होता कि
वो बाबा कलर के कपड़े पहनना, माला टांग गले में पहन ली, चंदन वंदन के टीके लगा लिए, बाल बड़े कर लिए, इसको बस ये उन्हें पहनावा है कि ये योगी हो गया, पैदा नहीं होते तो ऊपर से टपकते हैं। लोगों की मिथ्या धारणा आज भी है। सर सर मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी। ठीक है जी, प्रतीका जी बताएंगी आपको। सर वो मैं 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लूंगी, मुझे बच्चों को एकेडमी छोड़ के आना है। जी, ठीक है।